तो बाइक मस्त वॉश हो रहा है, देखिए अभी सही चमक रहा है। ओहो, तो मैं सोच रहा हूँ एक एक्शन कैमरा लेंगे, उसके बाद मस्त मोटो ब्लॉग देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप काफी मस्त और स्वस्थ होंगे। और मैं एक डेढ़ महीना बाद लॉन्ग ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि एक डेढ़ महीने से मैं मिनी ब्लॉग बनाने में लग गया, क्योंकि मिनी ब्लॉग भी बनाना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग ब्लॉग से ज्यादा मिनी ब्लॉग में व्यूज ज्यादा आता है। तो लास्ट में एक डेढ़ महीने से मिनी ब्लॉग ही बना रहा हूँ, तो आज मैं सोचा एक लॉन्ग ब्लॉग भी बना लेता हूँ। ऐसे भी आज मेरा छुट्टी का दिन है, काम पर नहीं गया, घर पर ही हूँ, और दो छोटा छोटा भाई भी है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो गाइस, और एक गुड न्यूज़ भी है, हमारे चैनल में 500 सब्सक्राइब होने वाला है, बस 2-3 सब्सक्राइब बाकी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और 500 सब्सक्राइब पूरा कर दीजिए, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँगा, फाइनली 500 सब्सक्राइब होने वाला है यार। और मेरा लास्ट जो मिनी ब्लॉग देखा होगा, तो एक हफ्ता से पूरा बारिश हो रहा है हमारे यहाँ पे, सारे जगह पर बारिश हो रहा था, लगभग एक हफ्ता से बारिश बारिश चल रहा था, तो बाइक भी गंदा हो गया देख सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ आज धूप दे दिया तो बाइक को धोया जाता है, तो चलिए बाइक को धो के लाता हूँ पहले, उसके बाद देखते हूँ और क्या होता है। और गाइस, ये जो बाइक में फ्लैक लगा है, एक्चुअली मैं अमेजोन पर ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर करते वक्त मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैं सोचा बाइक का ही है फ्लैक, लेकिन ये आया था कार का फ्लैक, जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा आ गया था, तो काट के यहाँ पर लगा दिया। और बाइक के जो फ्लैक है वो अलग होता है, छोटा सा होता है, तो छोड़िए जो होना था वो हो गया। और गाइस, मैं कुछ दिनों से एक बात सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई गोप्रो कैमरा नहीं है जो कि हेलमेट में लगाकर मोटो ब्लॉग कर पाऊँ। बाइक तो है, बस कैमरा नहीं है, गोप्रो नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ एक एक्शन कैमरा लेंगे, जो कि थोड़ा कम अमाउंट में आ जाता है, तो कुछ दिनों में शायद लेंगे, बस मैं सोच रहा हूँ। तो और अगर वो कैमरा मैं ले लिया तो बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि बाइक चलाते वक्त भी शॉट ले सकूँगा हेलमेट में वो कैमरा लगा के। तो बस सोच रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो अभी चलिए पहले बाइक को धो के लाता हूँ। और गाइस, देखते देखते 3 महीना हो ही गया ये बाइक मैं लिया हूँ, और बस कितने किलोमीटर चले आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका पहला सर्विसिंग हो चुका है, बस सेकंड सर्विसिंग करने का समय आ रहा है, तो 5000 किलोमीटर पे सेकंड सर्विसिंग करना पड़ेगा। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कितना चलाया 3 महीने में। तो बस 4000 किलोमीटर होने वाले, और 1000 होने पर सेकंड सर्विसिंग करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही बिंदास चला रहा हूँ इस बाइक को। तो गाइस, अभी मैं कैमरा की बातें कर रहा हूँ, गोप्रो कैमरा या फिर एक्शन कैमरा की। अगर होता तो अभी मैं अच्छे से वीडियो शॉट ले पाता, अभी बाइक धोने जा रहा हूँ ना, तो अगर कैमरा होता तो सोचिए एक बार कितना अच्छे से वीडियो शॉट ले पाता। अभी बस मोबाइल पकड़ के चलाना पड़ेगा, विशेष भाई है जो भाई है ये मोबाइल पकड़ेगा, और मैं धीरे धीरे जाऊँगा चला के, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, बस 1/2 किलोमीटर दूर है, और पर बाइक वॉश होता है हमारे यहाँ पर। तो बस चलिए, तो बाइक लगा दिया, मस्त वॉश हो रहा है, अभी सही चमक रहा है, देखिए वाओ। वॉश होने के बाद ये थार वॉश होगा, और दोस्तों थार और ये हंटर बाइक दोनों अपने अपने जगह पर बेस्ट गाड़ी है, बहुत ही पॉपुलर। और बाइक को धोके सीधा ले आया पेट्रोल भरवाने के लिए, तो चलिए पेट्रोल भरवा लेते हो, उसके बाद मैं बाल भी कटने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज मेरा छुट्टी का दिन है, तो सारा काम करना पड़ेगा बाल कटने से शुरू करके। तो चलिए, पेट्रोल भरवाना हो गया, अभी चलते हो बाल कटने के लिए। तो गाइस, बाइक को तो मस्त धोके ले आया, अभी मैं भी थोड़ा बाल बाल कट के आया, तो चलिए मैं भी नहा लेता हूँ। बाइक को तो मस्त नहा दिया, अभी चमक रहा है, तो चलिए मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ। 2000 years later। तो गाइस, चलिए अभी थोड़ा बाइक लेके घूम के आता हूँ, बाइक तो सुबह मस्त धोया, साफ सुथरा किया, तो चलिए थोड़ा घूम के आता हूँ मस्त। और ये तालाब देखिए, बारिश की वजह से पूरा पानी भर गया, और थोड़ा बारिश होंगे तो रास्ते पे आ जाएगा पानी।